नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है उसको लगभग संपन्न करवा दिया गया है और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी है। और जिन भी अभ्यर्थियों ने पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक नापजोक दक्षता परीक्षा को पास किया, क्वालिफाई किया, और अब उनकी औबंधिक जो श्रेष्ठता सूची है उसे 10 तारीख को यहाँ पे आयोग के द्वारा अपनी साइट पर डाला गया था और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था ट्रांजिट हॉस्टल चंद्रबनी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रोड नियर वन निगम डिपो देहरादून 248002। लेकिन अब क्योंकि आयोग का मानना है, आयोग ने जो यहाँ पर देखा होगा तो उनके अनुसार यहाँ पे इंटरनेट सर्वर और कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस कारण आयोग ने यहाँ पे फिर से स्थान यहाँ पे बदल दिया। और अब आयोग का कहना है कि इन सभी अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो अभिलेख सत्यापन होना है, वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थाना रोड रायपुर देहरादून में ही किया जाएगा। यानी कि आयोग के कार्यालय पे ही उन अभ्यर्थियों को जाना है और वहीं पे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। बाकी जो शर्तें हैं वो जो पूर्व के समान ही रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। और जो ये वन आरक्षी पद कोड 102 है उसकी विज्ञप्ति के अनुसार ही, जो पहले विज्ञप्ति निकली है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रोल नंबर के हिसाब से, उसी हिसाब से अभ्यर्थी वहाँ पे पहुँचे। और जो सेंटर चेंज हुआ है इसके बारे में अभ्यर्थियों को ये भी आयोग ने यहाँ पे आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि आप अन्य मित्रों तक भी सूचना को अवश्य पहुँचाएं ताकि कोई अभ्यर्थी गलत स्थान पर न जाए और आयोग कार्यालय पर ही वो अब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे। इस SMS के द्वारा भी इस स्थान परिवर्तन की आयोग सभी अभ्यर्थियों को सूचना देने का प्रयास कर रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है 28 सितंबर से प्रारंभ होकर के 11 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।